उसके बाद में भैयाओ भगवान के एक मित्र की कथा आती है जिसका नाम था सुदामा। जब द्वारपाल को सुदामा जी ने यह कह करके भेजा कि जाओ मेरा संदेश दे दो भीतर, तब द्वारपाल जाकर के संदेश देता है। ए द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम ई बतावतया अपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम ई बतावतया अपनो नाम सुदाम। जैसे ही सुदामा नाम सुना, एक बात बताना चाहता हूं सभी भक्तों को, भगवान का ऐसा नियम है, भगवान का ये प्रण है कि जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग साठ, और जो तू कर रो काठ सौ तो मैं लोहे की लाठ। तो जब कोई व्यक्ति जीव परमात्मा की तरफ एक कदम रखता है तो वो साठ कदम रखते हैं, ये उनका स्वयं का प्रण है। इसका मतलब है कि जो एक माला जपेगा तो भगवान को उसकी साठ मालाएं जपनी पड़ेंगी, जो एक बार याद करेगा तो भगवान को उसे साठ बार याद करना पड़ेगा। अब सुदामा तो दिनों रात माला पे हैं केवल भगवान का ही नाम का जप करते थे, तो फिर भगवान को कितना जप करना पड़ता होगा। अच्छा, जो एक आयुर्वेद का सूत्र है मर्दनम गुण वर्धनम, मर्दनम गुण वर्धनम, जिस मंत्र का जितना ज्यादा संघर्षण होगा जप होगा उसमें उतने ही गुण प्रकट होने लगेंगे, ठीक है। अब जब भगवान को जब याद करना पड़ता होगा सुदामा को, सुदामा 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 कह करके, तो उस नाम में कितनी प्रीति हो गई होगी कि नाम कान में पड़ते ही भगवान के पांव रुके नहीं और दौड़ पड़े द्वारकाधीश होते भय है। अब यहां हमारे बीच में थे, अचानक जो कोई मंत्री आ जाए और मंत्री भागन लगे तो हड़कंप मच जाएगा ना, अरे उनके शैडो भागे, उनके जो गनर हैं वे भागे तो अलग बात है, लेकिन मंत्री भागे तो जाकर मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, क्योंकि छोटी मोटी बात पे मंत्री नहीं भागेगा। और वहां तो साहब मंत्रियों के मंत्री, मंत्रियों के मंत्री हैं, देव भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक जब दौड़े तो द्वारका में हड़कंप मच गया, मंत्री पहरेदार रानियां ये सब के भैया ऐसो का है गो। और दरवाजे पे जाके देखो तो एक फकीर से जाकर के भगवान लिपट गए, तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ऐसा कौन है जो भगवान। रो करके सुदामा जी की आंखों में और कन्हैया की दोनों की आंखों में अश्रुपात हो रहा था, और लाकर के सिंहासन पर बैठा दिया। ऐसे बेहाल विवाही न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इत सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए।
देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोय पानी परात को हाथ छुयो नहीं इने नन के जल सो पग सुदामा जी के चावल खाए। उसके बाद सुदामा जी का कई दिन तक वहां स्वागत सम्मान हुआ। जब सुदामा जी चलने लगे ना तो भगवान ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अब सुदामा जी सोचने लगे कि यहाँ तो हमारा आए भी में जो पनैया घिसी वे और बेकार चली गई, मिले कछु नहीं। और भगवान ने भी बिल्कुल सूखे विदा किया। नेक देर पीछे जब सुदामा जी काफी दूर पहुंच गए तब भगवान, अरे रुको 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 भैया रुको, अरे हम एक बात भूल गए। सुदामा जी बोले सोच तो हमारे के तुमको जो लेनो देनो भूलता रहे हो हैं, लेकिन अपनी मौत कहें कैसे हैं, का भूल गए बताओ। बोले तुम पुराने फटे टूटे कपड़ा पहन के आए और हमारे नए कपड़ा पहन के जा रहे हो। देखो यहां तुमने जो कुछ पहरे हो उड़े हो खाए कोई बात ना है, पर घर गठरिया बांध के ले जाए भी को ठेका तो वह ना हो, इसलिए अपने पुराने पहरो और हमारे नए। सुदामा जी खोपड़ी पकड़ के बैठे थे कि बताओ यादव आई तो कहा आई। जब सुदामा जी जब अपनी जगह पे पहुंचे ना तो वहां पे साहब भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके महल बनवा दिए। अब जब वो महल बनवाए तो क्या हुआ, सुदामा जी पहुंच करके देखते हैं कि मेरी झोंपड़ी कहाँ चली गई। अरे भैया मेरी यहाँ बूढ़ी ब्राह्मणी हती भी कहाँ चली गई। अरे मैं तुलसी को बिरवा तो ओ भैया कौन सा बिल्डर आ गो यहाँ, है मेरो सवरो सुपड़ा साफ कर दो। तब ब्राह्मणी ने निकल करके कहा प्रभु ये आपका ही है, ये गोविंद का दिया हुआ है ठाकुर जी का। सुदामा जी बोले ऐसो दिवैया हो तो माँ में लौटा के माने कपड़ा उतरवा ले है, और तू कह रही है कि ठाकुर जी का दिया हुआ है। तब ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मौके पे एक शोभा होती है देने की, तुमने मौके पे तो दिया नहीं। तब भगवान कहते हैं मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं, दुनिया वाले दिखावा करते हैं लेकिन मैं दिखावा नहीं करता, मैं तो अपने भक्त को समृद्धि से भर देना चाहता हूं और मैं ये बताना भी नहीं चाहता हूं कि ये मैंने दिया है, केवल भर जाए मैं ये चाहता हूं। और दुनिया वालों को उनका नियम अलग है, काऊ को दूसरो भैया गरीब होए परेशान है रहोए और बाको एक भैया ने कहा ठीक ठाक खाओ तो पी तो होए। तो जब बात लोग कहते हैं ना कि भाई इतने छोटे दूसरो भैया ने कहा परेशान है बाकी मदद कर दो, बोले मैं नहीं कब करी, वो कहे मौत है मैंने कब नहीं करी है। अथवा माँ बाप परेशान होए अपने गरीबी में होए, बेटा बड़ो है जाए और बेटा जो है अच्छो कमावे खावे तो भैया माँ बाप है, बोले पापा से मैंने कमाना किया है, पापा मोते कहें तो सही हैं। तो ये एक दिखावे का जो भीतर है कि पहले मोते कहें हैं मेरे पास आवे जब मैं उस पर विचार करूं। भगवान कहते हैं ऐसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं तो जब देता हूं ना, अभी यहां लंच होता है ना तब माइक में एक व्यक्ति बोलता है कि फलाने ने इतने दए फलाने ने इतने दए, है ना भाई, कल लेते बुलवाए वो बंद कर दे परसों एक रुपया कोई दे जाए तो गारंटी है हैं, क्यों कि वे दे ही बुलवावे के ले रहे हैं, यदि बोले वो बंद है जाए। अरे कभी कभी तो क्या होता है कई कई एक एक कथा एक कथा लड़ भी आए एक जनों, बोले मैंने जो है 1100 रुपया दे तीन दिना तो सुनो बोले ना है, और केवल जैते कान लगा दू कहीं निकट तो ना घूमियो ना हो, वो तीन दिन है गए बोले नहीं है मेरे पैसा बोलो नहीं पैसा वापस दो है, तो काय के लें पैसा दान के लें थोड़ी दे रहे हैं, वो पैसा दिखावे के लें दे रहे हैं। हमने तो बचपन में देखे हुए खेल जो दुला दुला होता था, दुला दुला के संग में 4-6 चमचा चलते थे, अब तो ब्याह का जो रहे ना है, पहले जो है सही तरीका से ब्याह होते थे, दुआ बरात रुकती थी है, तो ब्याह दूल्हा के संग में 4-6 चमचा हर समय बाप काजर पहुंचवे कोई फेल फाला जाए तो है,
हैं, बाकी हर समय मेकअप सही करवे के लिए रहते हैं। और वे जो चमचा रहता है दूल्हा के संग में, बिना पवित्रता अपवित्रता देखे झूलेनो देनो नहीं, बाकी सेटिंग बढ़िया बनी रहे। जा जूता ते अपने, जा रूमाल ते अपने जूता पहुंचे, भाई तो दूल्हा को मुंह पहुंच रहे हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काजर फैलना नहीं चाहिए। तो भाई चमचा का कहते एक एक हजार के नोट यो बा जमाने में, हमारे जमाने की बात करें जब एक हजार का नोट जिंदा था, अब तो बेचारो मारे गए हैं, तो एक एक हजार के नोट यो करके साफ सीधे, और कम से कम दस नोट तो हम रहते ही है, और वो नचके याद गो है बुआ ले भी कोशिश कर तो, अब एक हजार को ले जा तो भट्टा को ले जाओ ना, दिखात कितने एक हजार, फिर देते कितने थे हैं, हाँ दस रुपया फटे फटाए, अब दुनिया में कहूं ना चले हैं, ले ले जा। तो दुनिया में दिखावा कुछ और है और देना कुछ और है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे यहां ऐसा नहीं है। तो भगवान ये सिद्धांत देना चाहते थे कि मेरे यहां जब मैं किसी को देना चाहता हूं तो उसके जीवन में सोर्स पैदा करता हूं। सोर्स समझते हो, आमंदनी के हाँ स्रोत। मैं किसी को ऐसे हुंडी बरसा के नहीं देता, कृपा करता हूं कोई ना कोई लाइन बनती है ऐसी कि जो प्लॉट जो है 10,000 में खरीदो काऊ 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 जमाने में, और वो प्लॉट जो है देखत करोड़ों में है गो, जे कौने दयो भगवान को दयो भयो है। लेकिन जिसे जो समझ लेगा, इस एहसान को मानेगा, उसे भगवान और देगा। और मान एहसान न मान्यो कहे तो मैंने खरीदो है, मैंने करो है, तो फिर भगवान कहता कर लियो बेटा देखेंगे है, यदि तू इतना करवैया है तो कर लियो। भगवान कहता है ये मेरा तरीका है देने का, इसे समझ लेना। उसके बाद में भैया सुदामा के बाद में 11वें स्कंद में यदुवंशियों के श्राप की कथा है। उन्होंने एक संत की मजाक उड़ाई, पेट पे कपड़ा बांध के ले गए और ऋषि ते पूछी कि बताओ बाबा तुम इतने होशियार हो तो जम को है, छोरी है क्या छोरा है। संत ने कहा कि चाहे छोरी हो चाहे छोरा, जो भी होगा उस व्यक्ति से उस वस्तु से तुम्हारे ही कुल का विनाश हो जाएगा। और करो मजाक भाई, मजाक के लिए सारी बनी है, लेकिन सारी ये छोड़ के हैं, संत से मजाक करेगो तो परिणाम ये आएगा है? जाको काम तईकू छाजे और गधा की पीठ पे मोगरा वाजे। तुम ससुराल में जाओ तो वहां मजाक करेवे को मन कर रहे हो तो जाओ खूब मजाक करो है, लेकिन तुम संत के यहां जहां शीश न बहे सुर गुरु द्विज देखी, ये शीश तीन जगह बिना कहे जब जाना चाहिए, यदि शीश को ऊंचा उठाना है तो शीश न बहे सुर देवता के सामने, जहां कहीं मंदिर हो तो कहने की जरूरत न पड़े, शीश अपने आप झुक जाए। गुरु के सामने संत के सामने शीश झुक जाए। एक संत ने तो बड़ी प्यारी बात कही वृंदावन की ने, कि सच्चो भाव प्रभु सो रहे संतन सो सदभाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव, दुनिया में ऐसे रहो जैसे लग जाए दाव। भैया उन यदुवंशियों में उस श्राप के कारण मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, यदि किसी की संतान किसी गलत मार्ग पर जा रही है तो उसकी कुंडली में कोई न कोई दोष बैठा है, चाहे वो काल सर्प योग हो, चाहे वो एक होता है पितृ दोष,
पितृदोष हो अथवा किसी द्वीन दुखी का या साधु का कोई बद्दुआ या कोई श्राप बैठा होगा तो संतान की बुद्धि परिवार के प्रति कभी अच्छी नहीं रहेगी। जब से ऋषि का श्राप लगा भगवान के ही संतान भगवान के प्रति विमुख होने लगे, भगवान में उन्हें बुराई दिखने लगी। आखिरकार क्या हुआ, उनमें पीने का दुर्गुण आ गया और पीने के बाद बुद्धि तो खराब होती है, हैं? ये कीड़ों का जूस है भैया, कीड़ों का। भगवान के सामने भगवान के पुत्र और पौत्र आपस में पी करके लड़ लड़के मर गए। तो किसी ने कहा कि भगवान अपने वंश को भी नहीं बचा पाए, तो भगवान का कहना यह था कि बचा तो लेता पर मैं दुनिया को यह बताना चाहता था कि यदि जो व्यक्ति पीने के चक्कर में पड़ गया वो चाहे मेरो ही वंशज क्यों न हो, मैं उसे बचाने वाला नहीं हूं। भैया मैं काउते नाई ना कर रहा हूं कि पियो मते, मैं जाने तो अब तक आधी बोतल पिए तो है, तो भले ही पूरी पीना, लेकिन सिद्धांत यह कहता है कि भगवान भी उसे बचाने वाला नहीं है, चाहे वो भगवान कोई वंशज क्यों न होए। इसलिए भगवान ने कहा था बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, कुछ पल में रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाए, संत की बात पर जो भी चल जाए वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। तबला के बेस में ट्रेवल बोल रहा है। ओ बात मानो न मानो खुशी आपकी, दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी। 11वें स्कंद में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। 12वें स्कंद में भगवान ने सुखदेव जी ने परीक्षित से पूछा कि हे परीक्षित, तुम्हें 7 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, तुम्हारे मन में कोई अंतर आया क्या? तब परीक्षित जी ने बड़ी प्यारी बात कही कि नेक नहीं आयो, पूरो को पूरो मन बदल गयो। बोले क्या, अब तक ये मन संसार का था, अब ये मन परमात्मा का हो गया है, अब दुनिया का नहीं रहा। कृष्ण कथा रस मीठो लागे, ये दुनिया को सुख फीको लागे। कृष्ण कथा
रस मीठो लागे। ये दुनिया को सुख फीको लागे। मोहि ना भावे संसार। ये जो परीक्षित जी कह रहे हैं ना, यही बात मीरा ने कही थी। मोहि ना भावे संसार, संहार राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी, मेरी वृंदावन ससुराल समाज। से तेरो घर द्वार संहार राणा तेरी नगरी। अहम ब्रह्म परम धाम, ब्रह्मा हम परमम पदम। ऐसा उच्चारण जब किया परीक्षित जी ने कि मैं देह से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं देह से ऊपर उठ गया हूं भगवान, अब एक नहीं 1000 नाग आके मुझे काट लें, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। संत और कथा देह से ऊपर उठाते हैं, संबंधी और रिश्तेदार आदमी को देह में बिठाते हैं, इन दोनों में ये अंतर होता है। परीक्षित जी महाराज बड़े खुश और सुखदेव जी महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। तब जो है सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का उच्चारण किया। आओ हम भी उस श्लोक का उच्चारण करें। एक मिनट के लिए हम सभी सीधे बैठ करके आंखें बंद करके उस श्लोक का उच्चारण करेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो श्रवण करेंगे आंखें बंद करके। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। आंखें खोलेंगे,
हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः। भैया मैं आपकी 3-4 मिनट और लूंगा। आपने 7 दिन तक आकर के इस नवलपुर गांव की इस भूमि को पवित्र किया, इतना जन सैलाब के देवेंद्र और मैं हम दोनों क्षमा प्रार्थी हैं। क्यों? क्योंकि हमने लाख कोशिश की कि तुम्हारे बैठने की व्यवस्था कर पाए, लेकिन फिर भी पांडाल कम ही पड़ता गया, आपकी श्रद्धा भारी पड़ती गई। और आज भी चारों तरफ जो लोग खड़े हुए हैं वो इस बात का परिचय हैं कि आपकी श्रद्धा जीती है और हमारी व्यवस्था हारी है। देवेंद्र ने पूरी जान लगाई, हम पे जितना बनता था हमने भी पूरी जान लगाई, लेकिन देखो इधर पूरा जत्था का जत्था खड़ा है। इधर तो जत्था नहीं, ये पूरा टोल का टोल यहां से लेके पूरा घूमते हुए गिनती नहीं की जा सकती। अभी इससे 1.5 गुना टेंट और होता तो शायद जनता सही तरीके से बैठ पाती। तो हम प्रार्थी हैं, क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपकी श्रद्धा भारी पड़ी है। इस कथा से जो भी पुण्य बनता है, आप अभी टीका करने आओगे ना, इस कथा से जो भी पुण्य बनता है उस पुण्य को मैं भगवान के चरणों में अर्पण करके भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि हे ठाकुर जी, आपके निमित्त जिन्होंने जो खर्च किया है बड़ी उदारता से, ये दोनों बच्चे फरीदाबाद में रह करके जो कमाई करते हैं उसमें ठाकुर जी का हिस्सा समझते हैं, इसलिए ठाकुर जी के नाम पर उन्होंने इतना खर्चा अपने गांव में आकर के किया। ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, ऐसे बच्चों के जीवन में समृद्धि के लिए मैं ये प्रार्थना करूँगा कि इतना और देना कि ये ऐसे कार्यक्रम बार बार कराते रहें और हमारा तुम्हारा मिलना होता रहे इसी प्रकार से। ठाकुर जी से मेरी प्रार्थना कि मेरे जितने भी श्रोताजन हैं इस पुण्य से सबका भला हो, कल्याण हो, मंगल हो, सब खुश रहें, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। संत भगवानों के जीवन में ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रकट हो, बढ़े, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। संतों ने पांडाल में आकर के मंच को भरा, शोभा बढ़ाई, इसलिए उनके चरणों में मैं हृदय से बार बार नमन करता हूँ। एरी मैयाओ, तुमने तो ऐसी गर्मी में हैं यानी कहाँ कहाँ से आकर के, बसी तो ऐसी होंगी जिनमें जिनकी घरवाइन ते लड़ाई चल रही होगी, पर सोच रही हूँ कथा पूरी है तब इकट्ठे देखेंगे, मना मुनी करेंगे, हैं आओ तो पहले पूरी कथा सुन लें, हैं। लेकिन फिर भी आपने कथा सुनी, इतनी संख्या में आकर के पांडाल की शोभा बढ़ाई। मैं आपके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दूधन नहाओ और पूतन फलाओ, खुश रहो, आनंद करो। इन्हीं शब्दों के साथ जिन बच्चों ने देवेंद्र के साथ कंधा से कंधा मिला करके जो सेवा की, उस दिन मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि दूसरे दिन कथा होगी, क्योंकि पूरा पांडाल जमीन पे आ गया था। लेकिन जब रात में मेरे पास वीडियो पहुंची कि काम बहुत युद्ध स्तर पर चल रहा है, तब मुझे लगा कि स्वयं भगवान के बल बंदर और भालू जो राम के साथ युद्ध करने के लिए गए थे और उन्होंने पुल बना दिया था, असंभव को संभव कर दिया था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया था, मुझे लगता है वही बानर भालू आज देवेंद्र के संग आ गए हैं जिन्होंने रात ही रात में पांडाल को खड़ा किया। और दिन में भी गर्म पाइप थे लेकिन स्वाफियों से पकड़ पकड़ करके, और दिन में भी बैठने की व्यवस्था कर दी। उन सभी बच्चों को
मेरा व्यासपीठ से, दिल से, दिल की गहराइयों से आशीर्वाद है कि भगवान उनके जीवन में उनकी जो अच्छी इच्छाएं हैं, सद इच्छाएं हैं, सद कामनाएं हैं, भगवान उन्हें पूरी करें और वे खूब आगे बढ़ें और भगवान उनको खूब सदबुद्धि प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मेरे जो परिचित परिवार हैं वे ऊपर आएंगे, मेरा तिलक करेंगे और आप 2-2.5 मिनट के लिए और बैठे रहेंगे। जब मेरा इशारा होगा तब आप लोग आरती के लिए खड़े होना, उससे पहले मेरा तिलक हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कोई गलती हुई हो उसे मेरी गलती समझ करके यहीं छोड़ना और कोई अच्छी बात निकल गई हो उसे अपने हृदय में धारण करके ले जाना। तारों को आँखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर और तुम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। मैया जय सिया राम, हे भैया जय सिया राम। संत भगवानों के चरणों में मेरी नमो नारायण। ये पत्ता टूट्यो डार सो ले गई पवन उड़ा, अब के बिछुड़े कब मिले, दूरी पर चली जाएंगी हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी बिहारी। चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो अरज हमारी जी। चले जाए
परिचित परिवार सभी नीचे पहुंचे आरती के लिए, सभी खड़े हो जाओ। सभी लोग नीचे पहुंच जाओ, सभी लोग नीचे पहुंच जाओ। सब कुछ हर लो मेरा प्रभु, मेरे दिल से कभी न जा। दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देखी छवि बले और बाके बिहारी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, गगन पाओ पाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, रास बिहारी तेरी आरती गाओ, रास बिहारी तेरी पूर्वे साध्या सन्ति देवा हरिः ओम। एक दंताय विदमहे वक्रतुंडाय धीमहे तन्नो दंते प्रचोदयात्। हरिः ओम नारायणाय विदमहे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विदमहे विष्णुपत्नी च धीमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानास्कंद पुष्पाणि यथा कालोद्भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर श्री प्रणपसोत्तमाय नमः।
मंत्र पुष्पांजलि चरणार्पणमस्तु हो। बोलि भागवत महाप्राण की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, रुचि जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे। अब कब आओगे मेरे गुरु बरी, अब कब आओगे मेरे गुरु बरी। करते हैं बैठे हम इंतजार, दर्शन को अखियां हुई बेकरार, अब कब आओगे मेरे गुरुवर जे, अब कब आओगे मेरे गुरुवर जे। तारों